यह है लिंक्डइन सीरीज का पार्ट टू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन में प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 100% प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया तो ना ही आपको जॉब मिलेगी लिंक्डइन पर, या ना ही आपको सजेस्ट करेगा लिंक्डइन। तो प्रोफाइल कंप्लीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन पर, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैंने पार्ट वन अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिंक्डइन पर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर जरूर से चेक करना, और उसे मेरे चैनल पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो। तो और मैं सोच रहा हूँ इसका पार्ट थ्री भी लेकर आऊँ, बिकॉज उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लिंक्डइन का कवर बैनर कैसे क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। पार्ट थ्री का इंतजार कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लिंक्डइन ऐप ओपन कर लिया है। पार्ट वन में मैंने आपको अकाउंट क्रिएट करना सिखा दिया था। अब यहाँ पर हम अपनी प्रोफाइल जो है अपडेट करेंगे, 100% कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर प्रोफाइल। तो सबसे पहले प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपको जो है क्या करना है, ऊपर जाना है, यहाँ पर लोगों का ऑप्शन देखेगा लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर नाम आ रहा है आपका और व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहीं पर ही आपको सारी चीज़ अपनी अपडेट करनी पड़ेगी, जैसे लाइक स्केल, हेडलाइन, अबाउट सेक्शन, ये सब आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो अगर आपको नाम चेंज करना है, जो भी कुछ चेंज करना पड़ता है फ्यूचर में कभी, तो वो यहाँ से प्रोफाइल में आकर भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे अपना नाम चेंज करना है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, पेंसिल का आइकन यहाँ पर दिख रहा होगा, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से हम अपना नाम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आप ये सब चीज़ कर सकते हैं। अब चलिए, ये सब चीज़ वही नॉर्मल बात है। अब हम मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर अब आपको डालना क्या क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ से ऐड करनी है। प्रोफाइल पिक्चर ऐड करने के लिए यहाँ प्लस का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दो आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, ऐड प्रोफाइल फोटो। अगर फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर ऐड कर पाओगे। यहाँ पर ऐड फ्रेम का ऑप्शन है, यहाँ पर चले ऐड फ्रेम के सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अभी हमारा ओरिजिनल मतलब इस पर सेलेक्ट है। अगर आप लिंक्डइन के थ्रू जॉब करना चाहते हो, वर्क ढूंढ रहे हो, तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। लेकिन अगर आप हायरिंग कर रहे हो, कैंडिडेट आपको चाहिए अपनी कंपनी के लिए, तो हायरिंग पर क्लिक कर देंगे। या और ऊपर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखेगा, अप्लाई कर देना। ये प्रोफाइल जो है आपका फ्रेम जो है सेट हो जाएगा आपके प्रोफाइल पिक्चर पर। फिलहाल मैं ओरिजिनल पर रहने देता हूँ। तो मेरा काम है आपको सब कुछ चीज़ें बताना, तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो हम यहाँ से अपनी प्रोफाइल फोटो ऐड करेंगे, ऐड प्रोफाइल फोटो पर क्लिक कर देते हैं। ऐड प्रोफाइल फोटो पर जैसे हम क्लिक कर टेक अ फोटो पर अगर आप क्लिक करते हो तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच सकते हो। लेकिन अगर आप गैलरी में फोटो पड़ी है तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। हमने ऑलरेडी फोटो खींच रखा है तो अपनी गैलरी से ही अपलोड करेंगे। मैं अपनी गैलरी से अपलोड कर देता हूँ अपनी फोटो को। इसे आप देखोगे मैंने ये फोटो जो है गैलरी से सेलेक्ट किया है। अब आपको सिर्फ कम ज़्यादा यहाँ से ऐसे कर सकते हो, एडजस्टमेंट यहाँ से आप कर सकते हो। ओके, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। लाइक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह की आपको जो है फोटो अपलोड करनी है, और किस तरह की अपलोड नहीं करनी है फोटो वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। फिलहाल जो मैं अपनी ये फोटो अपलोड कर रहा हूँ, इसे मैं आपको दिखाने के लिए अपलोड कर रहा हूँ। अभी मेरे पास फिलहाल वैसी फोटो नहीं है प्रोफेशनल, वो मैं बाद में अपलोड कर दूँगा। लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए फोटो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन आपको प्रोफेशनल फोटो ही अपलोड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे इतनी अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने जूम इन क्यों करा इतना, तो मैं इसे ऐसे भी अपलोड कर सकता था। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आपका फेस जो है 60% आपकी प्रोफाइल फ़ोटो में दिखेगा तो आपकी जो है रैंक अच्छी मिलेगी लिंक्डइन की प्रोफाइल में। लिंक्डइन जो है आपकी प्रोफाइल को ज़्यादा सजेस्ट करेगा, तो इसलिए मैंने ये जूम आउट करा है। तो यहाँ से मुझे इतनी फोटो जो है अपडेट कर देनी है। अगर आप इसमें फ़िल्टर वगैरह एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, नीचे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मैं फ़िल्टर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से ये वाला फ़िल्टर मैं चूज़ कर सकता हूँ, और भी यहाँ बहुत सारे फ़िल्टर देखने के लिए मिल जाते हैं, जो आपको अच्छा लगे कर देना। मैं तो इसे नॉर्मल ही रखने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं सेव का ऑप्शन दिखेगा, ऊपर सेव कर देते हैं, तो ये मेरी प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ से अपडेट हो जाएगी। उसके बाद आपको बैनर लगाना पड़ेगा। अब देखिए हमारी प्रोफाइल फोटो यहाँ से लग चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर पीछे आपको बैनर लगाना पड़ेगा। अब बैनर आपको किस तरीके से बनाना है, बैनर किस तरीके से लगाना है, और मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको बताऊंगा। अभी एंड में आपको बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ बता दूंगा कि बैनर कैसे बनाना है। फिलहाल मैं आपको बता दूँ, आपको बैनर में जो आप काम करते हो वो आप लिख सकते हो, बिल्कुल मिनिमलिस्टिक आपको बैनर बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। अब मैंने बैनर कैसे बनाया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से बैनर पर क्लिक करूँगा। अब मुझे बैनर यहाँ पर अपलोड करना है, तो यहाँ पर अपलोड फ्रॉम फोटोज़ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैं अपना जो है बैनर यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने जो बैनर यहाँ पर लगा दिया है। अभी मैंने किस ऐप से बनाया है वो मैं आपको एंड में बता दूंगा। उसके बाद अभी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो भी हमें फिल करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सजेस्ट फॉर यू में, यहाँ पर अभी देखिए हमारा एक अभी यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट हुए हैं, 7 स्टेप में हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी से हमें पूरा कंप्लीट करना है, पहले 0 था, अब यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। अब तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दे के रखा है, इस पर क्लिक कर देंगे।
इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ से जैसे मैंने पहले बताया नाम चेंज कर सकते हो, वो चेंज कर सकते हो, एडिशनल नेम अपना डाल सकते हो एंड नेम प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डोंट अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद प्रोनाउंस का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अगर गर्ल हो तो यहाँ पर सी एंड फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, अगर बॉयज़ हो तो सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हम सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है हेडलाइन डाल देनी है। अब हेडलाइन कैसे डालोगे, चलिए मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखी है ये सब हेडलाइन और ये अबाउट वगैरह, मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ बता दूँगा कैसे करना है। तो यहाँ पर हेडलाइन दोस्तों मैंने लिख रखी है, तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से अपने। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये सब लिख के रख रखा है पहले, अभी मैंने कैसे लिखा है वो मैं सब आपको बाद में बता दूंगा। उसके बाद इसको यहाँ से पूरा कॉपी कर लेंगे, तो इसे मैं यहाँ वहाँ जाके पेस्ट कर दूंगा हेडलाइन में। और हेडलाइन मेरी थोड़ी हेडलाइन जो है बड़ी है, फिलहाल मैं इसे बाद में छोटा कर लूँगा, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हेडलाइन डालेंगे। अब यहाँ से मैंने पेस्ट कर दिया है, अभी थोड़ा लोड ले रहा है, उसके बाद ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जब हमारी जो बन जाएगी उसके बाद मैं आपको शो करवा दूंगा कि किस तरह से हमारा बने है। उसके बाद आप देखो करंट पोजीशन यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है आप फिलहाल आप करंट टाइम में क्या कर रहे हो, प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हो, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो यहाँ से डाल सकते हो, किसी कंपनी में जॉब करते हो तो वहाँ से डाल सकते हो। डालोगे कैसे, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो और भी यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डाल के। तो यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसे मैं क्रॉस करता हूँ एंड यहाँ से अब वापस उसी लाइन पर आ चुके हैं। एंड यहाँ पर आप देखोगे इंडस्ट्री का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर इंडस्ट्री पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अभी आप किस कंपनी में काम कर रहे हो वो यहाँ से डाल सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर भाई ऑनलाइन ऑडियो वीडियो एंड ये अब सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे दिखा है ऐड न्यू एजुकेशन। तो यहाँ पर अपने एजुकेशन जो भी आपने कर रखा है, 12th ग्रेजुएशन जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ऊपर यहाँ पर फर्स्ट में आपको डाल देना है स्कूल का नाम, अपना यूनिवर्सिटी का नाम, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप करते हो, फिलहाल जो भी आप यूनिवर्सिटी यहाँ पर सर्च करोगे वो सब यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री डाल देनी है, मतलब आपने कर क्या रखा है, बी ए कर रखा है, बी टेक कर रखा है, बी एस सी कर रखा है, जो भी आपने कर रखा है वो यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे जाएंगे फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ से अपना बिजनेस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है किस फील्ड में आपने वो करा है, मतलब एजुकेशन करी है। जैसे बीटेक आपने करी है तो कंप्यूटर साइंस से करी है या इंजीनियरिंग से करी है, वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। जैसे बीएससी होती है, बीएससी में आपने बायो से करी है या फिर केमिस्ट्री से करी है, इस तरह से यहाँ पर आपको ये डाल देना है। उसके बाद अपने यहाँ पर स्टार्ट डेट एंड एंड डेट दे सकते हो, मतलब आपने कौन से ईयर में स्टार्ट किया आपकी डिग्री एंड 3 साल की है, तो उसके बाद यहाँ पर एक्सपेक्ट यहाँ पर एंड ऑफ डेट लिख सकते हो 3 साल बाद कौन से ईयर में आपकी जो है बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर ग्रेड का जो ऑप्शन दे रखा है, मतलब आपके कितने ग्रेड आए हैं आपके परसेंटेज में है, तो यहाँ पर परसेंटेज भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। उसके बाद एक्टिविटी एंड सोसाइटी यहाँ पर डाल सकते हो, ऐसे छोड़ भी सकते हो, जो चीज़ आप नहीं जानते उस चीज़ को छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हो कि आपने मतलब क्या क्या सीखा अपने कॉलेज लाइफ में, क्या क्या करा। तो उसके बाद यहाँ पे ऐड स्किल का स्किल डालने का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, स्किल यहाँ पे ऐड स्किल पर आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद जो भी आपको स्किल आती हैं, जो भी सॉफ्टवेयर आप चलाना जानते हो, वो यहाँ से उन्हें सर्च करके ऐड कर सकते हो। जैसे कि मैं एडोबी फोटोशॉप में यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे देखिए आ चुका है, तो मैं इसे ऐड कर लूँगा। जो भी आप सॉफ्टवेयर चलाना जानते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। तो एडोबी प्रीमियर प्रो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एडोबी लाइटरूम डाल देता हूँ, जो भी आपको आता है वही डालना। और जो आप सीख रहे हो तो उसे सीखने के बाद यहाँ पे डाल सकते हो, तो यहाँ से डन कर सकते हैं। डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है मीडिया का। यहाँ पे आप मीडिया के ऑप्शन में ऐड मीडिया पर क्लिक करोगे तो अगर आप कोई फोटो अपलोड करना चाहते हो या अपनी वेबसाइट यहाँ से लिंक करना चाहते हो या पोर्टफोलियो लिंक करना चाहते हो या कोई फोटो अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ से वो कर सकते हो। अपलोड फोटो पर क्लिक करोगे जो भी फोटो आपको अपलोड करना वो आ जाएगा एंड यहाँ से अपलोड कर देना। लिंक पर क्लिक करोगे, बिल्कुल सिंपल है ये, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखेगा, इस पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ से मैं ये सारी चीज़ें फिल करके उसके बाद आपको मैं बताता हूँ। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको सामने ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है एंड यहाँ पर आपको स्किप वाला ऑप्शन दिखेगा, नीचे स्किप पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्किप पर क्लिक करते हो तो उसके बाद से भी स्किप कर देंगे यहाँ से एंड उसके बाद यहाँ से हमारा ये वाला जो ऑप्शन था जो भी हमने करा है एजुकेशन वाला, यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला ऑप्शन हमारा फुलफिल हो चुका है एंड इंडस्ट्री भी हमने डाल दी है एंड यहाँ से दोस्तों हमने स्किल का जो है स्किल भी हमारे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोकेशन ये हमारी ऑलरेडी डली पड़ी है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप डालना चाहते हो, ईमेल आईडी या कोई फ़ोन नंबर यहाँ से डालना चाहते हो तो यहाँ से वो डाल सकते हो, हमारी ऑलरेडी डली पड़ी है। यहाँ से अगर आप चेंज भी करना चाहते हो तो वो भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए अगर आपको दोस्तों वेबसाइट भी डालनी है तो वेबसाइट का डालने का ऑप्शन है, एड्रेस डालने का भी ऑप्शन है, तो इसे भी नहीं डालते हैं अभी यहाँ से हम।
बैक कर देंगे। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो हमारी सारी चीज़ें सेव हो जाती हैं। एंड यहाँ पर आप नीचे देखोगे हमारा जो पहले 3 पर था और अब देखो 6 पर हो चुका है कंप्लीट 1 स्टेप। उसके बाद हमारा आधी आधी से ज़्यादा चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हमारी अभी और भी बहुत सारे ऑप्शन रह रहे हैं तो वो हम यहाँ से क्या क्या करेंगे, ऐड सेक्शन का ऑप्शन देखेगा, यहाँ पर ऐड सेक्शन पे जाना है। यहाँ से आप देखोगे यहाँ पर आपको 3 स्टेप में अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। यहाँ पर सबसे पहला जो है ऑप्शन कोर का है, उसके बाद दोस्तों रिकमेंडेड का है, उसके बाद दो है एडिशनल का है। इसके ये सब 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद जब आपकी कंप्लीट प्रोफाइल कंप्लीट होती है तो यहाँ से कोर के स्टेप पर जाना है एंड ऐड अबाउट के सेक्शन पर जाना है। यहाँ पे अपने बारे में आपको लिखना है, मैंने ऑलरेडी लिख के रख रखा है तो मैं वहाँ से कॉपी करके जो है यहाँ पर जल्दी से डाल देता हूँ। तो अपना अबाउट जो है डाल दिया है। अब ऐसा अबाउट आप कैसे लिखोगे वो सब मैं वीडियो के एंड में आपको बता देने वाला हूँ। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद आपको स्किल का ऑप्शन दिखेगा फिर से, तो यहाँ से ऐड स्किल के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से अपनी स्किल जो है ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैंने पहले बोला आपको स्किल कैसे ऐड करनी है, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चलाना आते हैं उनका नाम सर्च करना है एंड यहाँ से टिक कर देना है। जैसे मान लीजिए मुझे एडोबी फोटोशॉप को टिक करना है, एडोबी लाइटरूम को टिक करना है, एडोबी इसको टिक करना है एंड यहाँ से ये सब जो सॉफ्टवेयर है मैंने पहले ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखे तो इसलिए यहाँ पर ऊपर ही आ गए हैं ये। तो यहाँ पे यू कैन ओनली शो 5 स्किल योर अबाउट सेक्शन, यहाँ पे ये बोल रहे जो आपके अबाउट सेक्शन में जो स्किल दिखेंगे ना वो सिर्फ 5 स्किल दिखेंगे। वैसे ये आपको सब कुछ आता है लेकिन जो शो होंगी ना वो 5 होंगी। तो यहाँ से अपने जो बेस्ट आपको सॉफ्टवेयर आते हैं चलाने वो यहाँ से जो उन्हें सेलेक्ट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सॉफ्टवेयर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। तो यहाँ से मैं 5 सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करके डन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे जो है हमने 5 स्किल अपने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, वो सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो कोर का जो ऑप्शन था हमारा अबाउट सेक्शन वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आती है एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जैसे आपने पहले डाला था, जैसे मैंने पहले आपको बताया था वही चीज़ आपको यहाँ से डाल देनी है। स्कूल का नाम डाल देना, जहाँ पर यूनिवर्सिटी है वो डाल देना। यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे तो यूनिवर्सिटी के आपके बहुत सारे नेम आ जाएंगे, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिग्री आपको डाल देनी जो आपने डिग्री करी है। उसके बाद एंड डेट एंड लास्ट डेट, उसके बाद ग्रेड आपको डाल देना है एंड उसके बाद अपने स्कूल में कुछ सीखा है, जैसे फुटबॉल स्पोर्ट्स जो होते हैं बहुत सारे गेम्स होते हैं, हर कॉलेज में ही होते हैं गेम्स, तो उसमें से आपको जो भी एक्स्ट्रा स्किल आपने वहाँ पे सीखी है वो यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन आपको देना है, दे सकते हो उसके छोड़ भी सकते हो एंड उसको स्किल एंड मीडिया का ऑप्शन आपको मैंने पहले बताया वही चीज़ ये है। तो उसके बाद इसी सब डालने के बाद सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अच्छा आप देख सकते हो मैंने ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर ली, यहाँ से स्किल मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ चुका है एंड मीडिया का अगर आपको कोई फोटो अपलोड करना है, कोई लिंक अपना पोर्टफोलियो वगैरह देना है तो यहाँ से एड मीडिया पर क्लिक करके यहाँ से वो देख सकते हो, नहीं तो सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे हमारी चीज़ें ये सब सेव हो चुके हैं। इसके बाद स्किप का ऑप्शन आएगा, मैं तो स्किप पे क्लिक कर दूंगा एंड उसके बाद यहाँ से ये बोल रहा है अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो यहाँ से कर सकते हो वरना स्किप के ऑप्शन पे दे रखा है, यहाँ से स्किप कर देंगे। फर्स्ट जो कोर वाला सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर रिकमेंडेड में जाएंगे, यहाँ पर ऐड फीचर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपने लिंक्डइन पर देखा होगा प्रोफाइल के नीचे फोटोज़ वगैरह आती हैं तो वो यहाँ से ही आती हैं। अगर आप ऐड फीचर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है मैंने एक फोटो यहाँ पर अपलोड भी कर दिया है। तो आप जो है क्या करना, प्लस के आइकन पर जाओगे एंड यहाँ पर अपनी फोटो अपलोड करने के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आप कोई वेबसाइट लिंक वगैरह डालना चाहते हो, पोर्टफोलियो का लिंक डालना चाहते हो तो यहाँ से डाल सकते हो एंड ऐड पोस्ट यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो यहाँ से लिख सकते हो, कुछ आर्टिकल वगैरह डालना चाहते हो यहाँ से, तो फोटो डालना चाहते हो गैलरी से वो यहाँ से, तो यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आपको फोटो सेलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आप फोटो अपलोड कर दोगे। तो वो देखिए मैंने यहाँ पर एक फोटो डाल दिया है तो वो कैसे दिखेगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ फीचर के ऑप्शन में ये ऐसे करके आ रहा है एंड यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख भी रखा है। तो ऐसे करके आप अपना वर्क यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, पोस्ट वगैरह अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप भी देखोगे हमारी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी इस तरह से जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने बैनर लगा दिया है, अपना प्रोफाइल पिक्चर भी लगा दिया, नाम वगैरह एंड यहाँ से देख सकते हो हमारे ये जो नीचे आ रहा है ये भी हमारा आ रहा है। अभी मेरे 0 फॉलोअर 0 कनेक्शन है एंड उसके बाद नीचे करेंगे हमें आप ये सब हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड सो ऑल 5 रिसोर्सेज एंड यहाँ पर देखो और ये जो है ऑप्शन है कुछ तो लिंक्डइन के ही एंड यहाँ पर हमारा फीचर पोस्ट भी आ रहा है एक्टिविटी एंड यहाँ पर अबाउट का सेक्शन मैंने यहाँ पर लिख रहा है एंड टॉप स्किल यहाँ पर आप हमारे दिखाई दे रही जो टॉप स्किल हैं जो हमने 5 जो सेलेक्ट की थी पहले एंड यहाँ पर जो एक्सपीरियंस जो यहाँ पर आ रहा है जो आप जो काम करते हो अभी किस कंपनी में काम करो हुए हैं यहाँ पर डाल रखा है एंड उसके बाद यहाँ पर एजुकेशन यहाँ पर देख सकते हो एजुकेशन डिटेल है। उसके बाद अगर आप कोई भी एडिट करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो या कुछ डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से कुछ भी डिलीट कर सकते हो। जैसे प्लस का आइकन है तो यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर देना, कुछ भी ऐड कर सकते हो एंड कुछ डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पर हर किसी ने पेंसिल का आइकन दे रखा है, एडिट का आइकन दे रखा है तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। तो यही सब कुछ है एंड अगर आपको किसी को फॉलो करना है तो यहाँ से दोस्तों यहाँ से फॉलो भी कर सकते हो। यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर सर्च पर जाओगे किसी को फॉलो करना है तो उसका यहाँ पर नाम सर्च करोगे, यूजर नेम सर्च करोगे यहाँ पर आ जाएंगे एंड यहाँ पर फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर कुछ 5 ऑप्शन भी दे रखे हैं नीचे, यहाँ पे माय नेटवर्क का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर अभी हमारा कोई नेटवर्क नहीं बना है, 0 फॉलोअर 0 कनेक्शन है एंड उसके बाद यहाँ से पोस्ट वगैरह अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर भी अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर भी देखिए दे रखा है पोस्ट वगैरह अपलोड करने का, प्लस का यहाँ पर दे रखा है। इस पर कुछ नोटिफिकेशन आता है जॉब वगैरह का तो यहाँ से आता है। अगर आपको जॉब सर्च करनी है लिंक्डइन पर तो यहाँ पर लास्ट में ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर
सेलेक्ट कर देना है। एंड जो आपने प्रोफाइल बनानी है उस हिसाब से जो है लिंक्डइन खुद भी आपको सर्च जॉब दिखाता है। यहाँ पर आप देखिए कुछ जॉब्स यहाँ पर ऑलरेडी आ रहे हैं, वीडियो एडिटर, रिमोट जॉब, ये जॉब्स यहाँ पर आ रही हैं हमारी प्रोफाइल के हिसाब से, ये जो है जॉब्स हैं यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर और भी जॉब आप नाम से ही भी सर्च कर सकती है, यहाँ सर्च जॉब का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी प्रोफाइल जो है कंप्लीट कर सकती है। अब मैं उसके बाद आपको बताने वाला हूँ कि अपनी प्रोफाइल की हेडलाइन और जो है अबाउट मी सेक्शन कैसे लिखना है। तो जो मैंने सेक्शन जो लिखा था वो जो दोस्तों मैंने चैट जीपीटी के जरिए से लिखा था। अब चैट जीपीटी के जरिए से कैसे लिखना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपने नोट्स में जाता हूँ एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले कुछ लिखना पड़ेगा। तो एक मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए बना के रखी है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों, बेस्ड ऑन माई रेज्यूम राइट अ हेडलाइन सेक्शन फॉर माई लिंक्डइन प्रोफाइल इन 250 वर्ड 250 वर्ड्स राइट अट्रैक्टिव हेडलाइन। ये जो आपको जो ये प्रॉम्प्ट है दोस्तों इसको कॉपी करके यहाँ पर अपने हेडलाइन बनानी है, तो हेडलाइन डाल देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हेडलाइन लिख रखा है। अगर आपको अबाउट सेक्शन लिखना है तो यहाँ पर अबाउट डाल देना है, अबाउट सेक्शन जो भी आपको चाहिए ना, तो बस आपको हेडलाइन चेंज करनी है। हेडलाइन चाहिए हेडलाइन चेंज करना, अबाउट चाहिए तो अबाउट सेक्शन यहाँ पर अबाउट डाल देना, जो भी आपको चाहिए वो यहाँ पर बस ये चेंज करना, बाकी जो है पूरा सेम रहने वाला है। एंड उसके बाद जो आपको रेज्यूम अपने रेज्यूम आपके पास रेज्यूम तो होगा ही, तो आपको क्या करना है अपना रेज्यूम जो है उसकी सारी डिटेल कॉपी करके इसके नीचे डाल देनी है। तो उसके बाद आपको क्या करना है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ मैं दोस्तों कॉपी करके रख लेता हूँ, उस कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद आपको चैट जीपीटी के वेबसाइट पर लेके जाता हूँ। जीपीटी की वेबसाइट पर आ चुका हूँ। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि चैट जीपीटी का अकाउंट कैसे बनाते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो। और प्लेलिस्ट भी मैं दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स होंगे सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, आई बटन पर मिल जाएंगे। तो उसके बाद अगर चैट जीपीटी आपसे पैसा कमाना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अब फिलहाल अपनी वीडियो पर वापस आते हैं। यहाँ पर आप जो मैंने बताया था हेडलाइन कैसे बनाएंगे, अबाउट सेक्शन कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर मैंने वो जो कॉपी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर मैसेज चैट जीपीटी का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर देंगे, उसके बाद जो हमारी हेडलाइन जो है कंप्लीट बनने वाली है। अभी ये थोड़ा लोड ले रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो ये लिखना है चैट जीपीटी ने लिखना भी स्टार्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा हेडलाइन जो तैयार भी हो चुकी है। पैशनेट वीडियो एडिटर एंड क्रिएटिव स्टोरी फ्रीलांसर ऑन फाइवर एंड उसके बाद जो जो हमने डाला है वो यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ से कॉपी करके अपनी लिंक्डइन पर आप डाल देना। तो जो मैंने प्रॉम्प्ट बताया था वो आपको जो भी आपको लिखना है वो सब ऐसे ही लिख दोगे चैट जीपीटी के जरिए। तो वीडियो अगर वीडियो कैसी लगी लाइक करना, और कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो या कुछ पूछना हो या कुछ कन्फ्यूजन हो वीडियो में, तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं जरूर से रिप्लाई करूँगा। और कुछ वीडियो चाहिए तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा। और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर से प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। मैं वीडियो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, चाहें।